कि आखिर व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। सो हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। और कैसे हो यार, क्या हुआ, कुछ अलग लग रहा है क्या? अलग ही तो है, आपके लिए सब कुछ किया है, क्योंकि आज की आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं पूरे 3 ऐसे व्लॉग जो अधूरे हैं, यानी कि शूट हुए नहीं थे, पूरे शूट नहीं हुए थे। और अगर मैं उनको वैसे ही डाल देता तो आपको समझ में आता ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यार, आपको समझाया जाए, सही से समझाया जाए आखिर पिछले 2 या 3 दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। और काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे थे कि हो गया व्लॉग, बन गए व्लॉगर, ऐसे व्लॉगर नहीं बनाया जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो अपना कवर में आज आपको दिखाई देता हूँ कि आखिर व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। और इस व्लॉग को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि इन 3 व्लॉग में हमने क्या क्या किया है, कितनी सारी मस्ती की है। क्योंकि इस व्लॉग में है हमारे कॉलेज का आखिरी दिन, उसको सब ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लो यार, क्या कर रहे हो। एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और कैसे हो यार, तो आज हो चुके हम रेडी एंड गुड मॉर्निंग। और आज हम जा रहे हैं कॉलेज टायरी के लिए गोहाना। तो आज का दिन यही है, पूरा दिन यही रहेगा, हम जा रहे हैं कॉलेज स्टाइल के लिए। तो करते हैं व्लॉग को शुरू, एंड व्लॉग को बस लास्ट तक देखिए। और तो यार, बात करते हैं हम अपने पहले व्लॉग के बारे में। इसमें होना क्या था कि हमें जाना था गोहाना, किसके लिए, कॉलेज टेस्टिंग के लिए। हमें देखना था कि जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेने वाले हैं वो आखिर है कैसा, आखिर क्या क्या हमें वो प्रोवाइड करवा रहा है। एंड इसी के लिए हमें गोहाना जाना था, जो कि हमारे घर से पूरा 50 किलोमीटर दूर था, समझ रहे हो, 50 किलोमीटर। एंड यार, मैं भी घर से फुल चला, मतलब पूरा व्लॉग शूट करते गया रास्ते में। बट आगे क्या हुआ ना, ये तो आप व्लॉग में देख लो हुआ क्या था। बस 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 बस, रोक ले। यार अभी पिक करना है हमारे सह मित्र सुशील को, क्योंकि वो भी साथ ही जा रहा है एंड ये भी जा रहा है। तो अभी देखते हैं यार कहाँ पर है वो, अभी बस नहाने गया था थोड़ी देर पहले। यार अभी पता लगा कि वो सिर्फ नहाने ही लग रहा है, बोल रहा था 2 मिनट में नहा लूंगा, लेकिन 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अभी कॉल करके देखते हैं कि आखिर क्या कर रहा है, मतलब भैया। मैं वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ही बनाऊंगा मैं। अरे आओ छतरी में छोड़ दिया ने, फिर भाई काड़ू मैं नहीं भाई, बीच में करते हमने तो ट्रक आ रहा है भाई, सिटी का ट्रक, लिप लग के तब पिच का हो जाए। सो गाइस, वेलकम बैक ऑन द व्लॉग। तो कैसे हो, और गोहाना से कुछ ही देर पहले हमने पेट्रोल डलवाया है, एंड हमारे साथ है सुशील। तो हाय करना चाहेंगे आप, एंड आप कहना चाहेंगे भैया हाय। तो मिलते हैं गोहाना जाकर और देखते हैं कि क्या रहता है। तो यार अब हो सकता है कि आपने पूरा व्लॉग देख भी लिया होगा, और अब सोच रहे होगे कि यार इसमें कॉलेज है कहाँ, गोहाना है कहाँ। बोल रहे थे कि गोहाना दिखाने वाले है, पर इसमें तो है ही नहीं। जैसा कि मैं हम जैसे ही गोहाना पहुंचे ना, तो यार मुझे याद रहा ही नहीं कि मैं व्लॉगर हूँ और मुझे व्लॉग भी शूट करना है। एंड यार हम आधे रास्ते में आ चुके थे, तो तब हमें जाकर पता लगा कि वी आर व्लॉगर एंड वी नीड टू शूट आवर व्लॉग। यहाँ सही समझ रहे हो यार, फोपट हो गया, बट कोई नहीं यार। फिर हम रास्ते में ठीक गाँव से कुछ ही थोड़ी देर पहले ही एक शहर सा पड़ता है, तो वहां पर हम रेस्टोरेंट पर बैठे, पिज्जा खाया। जी गाइस, अभी हम आ चुके हैं गोहाना से, और हुआ कुछ ऐसा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि यार व्लॉग भी बनाना है। सो गाइस वेलकम बैक, एंड यार रास्ते में भूख लग रही थी, तो अभी कैफे पर रेस्टोरेंट में रुके हैं, तो अभी पिज्जा खाने वाले हैं।
ये देखिए हमारे नौजवान साथी। रैंडम सा लिया गया एक शॉट था, लेकिन पास ही में यार एक लड़का खड़ा था छोटा सा, वो इतना खुश हो रहा था ना, एंड ये रैंडम शॉट था। और मैंने जब ये वीडियो शूट कर रहा था ना, तब मैंने देखा भी नहीं था कि वो लड़का वहाँ था, लेकिन जैसे मैंने घर आने के बाद देखा यार, सीन काफ़ी मस्त था, तो आप भी देख लीजिए। तो यार अब ठीक शुरू होता हमारा दूसरा व्लॉग, जो कि होना था हमारी 4 तारीख को। और इसमें हमें करना क्या था कि हमें अपना कॉलेज देखना था और आपको दिखाना भी था। सो गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो कैसे हो यार, और एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। एंड आज का मौसम काफी खराब लग रहा है और आज हमें जाना कॉलेज, क्योंकि आज कॉलेज का आखिरी दिन एंड आज है प्रोजेक्ट, और आज आपको दिखाने वाले हैं मीटअप विद द फ्रेंड्स। एंड अब बच चुके हैं 7:45, मौसम है काफी खराब, और मैं करता हूँ आपके लिए गूगल का काम, क्योंकि हर एक व्लॉग में मैं आपको टाइम और मौसम ठीक ठीक बताता हूँ, गूगल की तरह नहीं कि बदलता रहता हूँ। एंड यार लेकिन इस दिन हुआ क्या कि हमें हो गया था बुखार, एंड व्लॉग में मैंने बोला भी है कि आज तबीयत काफी डाउन है, आज की तबीयत भी काफी ढीली डाली है, क्योंकि बुखार हो रखा है, जुखाम खांसी, चाहे फेस से लग नहीं रहा है लेकिन खांसी भी है जुखाम भी है, एंड गला थोड़ा भारी भारी है। तो यार कफ है ठीक है, और नहाने से पहले हम कर लेते अपने कपड़ों पर आयरन। तो चलिए लेके चलते आपको सीधा टाइम लैप्स वीडियो में, जिसमें हम आपको आयरन का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं। लेकिन यार प्लान तो कुछ ऐसा ही था कि आपको मैं अपने फ्रेंड से भी मिलाऊंगा, कॉलेज भी दिखाऊंगा, एंड ये हमारा लास्ट दिन था, तो ये काफ़ी रिमेम्बरेबल दिन होने वाला था या फिर बनाने वाले थे। बट जैसे ही मैं कॉलेज में घुसा, जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, तो यार तबीयत बिल्कुल ही डाउन हो चुकी थी, एंड मैं इस हालत में नहीं था कि मैं व्लॉग को शूट कर पाऊँ। एंड ये सिलसिला काफ़ी 2 से 3 दिन तक चल पड़ा था, क्योंकि आज जब मैं इस व्लॉग को शूट कर रहा हूँ तो आज पूरी 6 तारीख है, 4, 5, 6, यानी कि लगातार 3 दिन बुखार है। लेकिन और यही कारण था कि मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था। एंड कॉलेज में भी यार कुछ ऐसा ही हुआ था कि मैं व्लॉग जैसे तैसे मैंने प्रोजेक्ट को दिया, हालांकि ऑफ द कैमरा हमने काफ़ी इन्जॉय किया तबीयत डाउन होने के बाद, लेकिन यार ये आखिरी दिन था, हम इसको ऐसे जाने नहीं दे सकते थे, क्योंकि सभी फ्रेंड्स से हमें मिलना था, तो इसको हम ऐसे तो वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया ऑफ द कैमरा, बट ऑन द कैमरा हम मैं आपको दिखा नहीं पाया, इसके लिए मैं काफ़ी सॉरी फील कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या किया, काफ़ी सारी मस्ती की यार। एंड जैसे मैं घर पर आया तो यार बुखार काफ़ी था, बस फिर उसके बाद ये वाला व्लॉग आके शूट हुआ ही नहीं था। आई होप कि अब तक आपको ये 2 व्लॉग तो समझ में आ चुके होंगे कि आखिर व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे इन बीते 2 दिनों में, और आखिर ये व्लॉग पूरे शूट हुए क्यों नहीं। तो अब हम बात करते हैं कल के दिन की, यानी कि 5 तारीख की। तो 5 तारीख को हुआ कुछ था कि बारिश हो रही थी, आज का व्लॉग का स्टार्ट भी यहीं से होता है, और आज हो रही है बारिश, मैं काफ़ी भीग चुका हूँ, क्यों हो भी रही थी। एंड हम गए हुए थे पड़ोस के गांव में, क्योंकि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म फिल करना था। बट यार रास्ते में हुआ कुछ ऐसा कि जलेबियाँ दी गई रास्ते में, एंड बारिश का मौसम है, गरम गरम कड़क, बिल्कुल कड़क जलेबियाँ हैं, तो हम रुक तो नहीं सकते हैं,
ठीक है यार, चल जाएगा एक दो दिन में, तो चीटिंग डे तो चलता ही है। सो गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो कैसे यार, और आज है हम 5 तारीख और अब लगभग बज रहा है पूरा डेड एंड। आज का व्लॉग का स्टार्ट भी यहीं से होता है और आज हो रही है बारिश। मैं काफ़ी भीग चुका हूँ क्योंकि मैं गया हुआ था पड़ोस के गाँव में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के फॉर्म के लिए, एंड यार आज बारिश हो रही है और आते आते मैं भीग गया। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा देखने को मिला कि आपके मुंह में भी पानी आने वाला है और आपने लिटरली देख लिया होगा टाइटल थंबनेल में क्या है वो, तो चलिए दिखाते हैं। और ये है हमारे पास जलेबियाँ, जय ऐसे मोटो के साथ वो बोलते ना समोसे, ये है जलेबियाँ। आपने देख लिया होगा कि ये व्लॉग भी कुछ खासा शूट नहीं हुआ था, लेकिन जितना भी हुआ था मैंने आपको दिखाया एंड आई होप कि आपको ये तीनों व्लॉग काफी पसंद आए होंगे। आज के व्लॉग में इतना ही, तो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में एक और न्यू स्टोरी के साथ। चलते हैं यार, एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना कर लो यार, क्योंकि ऐसे ऐसे मस्त व्लॉग आपके पास आने वाले हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में।